इस साल हमने ये सारी हमने इस बार सोचा कि हम सारे फ्रेश फ्लावर्स से बापा का स्वागत करेंगे, और इसलिए हमने एक एक चीज़ फ्लैश फ्रेश फ्लावर से सजाई, जिससे हम चाह रहे थे कि नेचुरल फ्रेग्रेंस भी आए। गीता अगर मेरी मतलब मेरी मेरी सोच के हिसाब से जाए तो इस साल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम में, नहीं बाकी सब में, क्योंकि 2 साल हमने बापा को आने का वेट किया है, और बापा ने 2 साल के बाद आके ये बता दिया कि कोविड ओविड कुछ नहीं, मैं आ गया हूँ। तो जनरली पापा 1 साल में एक बार हम सबको, पूरे इंडिया को आप कह सकते हो, पूछने आते हैं कि आप लोग तो ठीक हो, मैं हूँ। तो ये जो हमारा हाल पूछने पापा खुद आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत 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 अच्छी बात थी। 2 साल हमारे इतने नेगेटिव गए हैं कि 2 साल तक पापा नहीं आए। अब कि जब पापा आए हैं तो हम लोग इतने खुश थे, क्योंकि हमने इस बार अपने हाथों से बहुत नेचुरल थीम रखी। क्योंकि इस बार जब हमको ये भी पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे प्लास्टिक फ्लावर्स और बहुत सारी खराब चीज़ें की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है, कि आप एक तरह से कह सकते हो कि हमें पनिशमेंट मिली है। हाँ, एक्चुअली तो अभी हम लोगों ने ये जो सारे ओरिजिनल फ्लावर्स है उसे सजाया हुआ है, और आप देख सकते हो कि बनाना लीफ है। बहुत ही सात्विक, बहुत ही सुंदर नेचर नेचुरल माहौल हमें चाहिए था, तो इसीलिए ये डिफरेंट। और इस बार के गणपति जी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि पापा ने 2 साल वेट कराया और फिर वो आए हैं। राइट जैसे आपने कहा कि कोविड के 2 साल बहुत ही डिफिकल्ट रहे सबके जी। लिए, और फाइनली बप्पा ने जो है सारी जो भी विघ्नहर्ता उनको कहा जाता है, और सारे जितने भी दुख थे उन्होंने हर लिए। जी क्या कहना चाहेंगे अब जो है ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि अब जो है इस तरह का पोल्यूशन ना हो हमारे देश में। देखिए बहुत सारे लोग तब मान रहे थे, जब कोविड हुआ तब लोग मान रहे थे कि हमारी गलती है, हमने ये किया, मगर जैसे ही लॉकडाउन हटा सब सब भूल गए, सबने प्लास्टिक फेंकना शुरू कर दिया, सब लोगों ने मदर अर्थ को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए हमारे गणपति जो हम पौंड में छोड़ने वाले हैं, नीचे ही विसर्जन करने वाले हैं। हाँ, हमारे गार्डन में हमने पौंड बनाया, बट अभी भी लोग नहीं सुधरे, यहाँ से वर्सोवा जा रहे हैं, वर्सोवा जाकर फिर वही बेचारे, कितने NGOs हैं जो वर्सोवा साफ करते हैं या जूहू बीच साफ करते हैं, उनकी किसी की ये लोग कुछ नहीं मान रहे। कोविड से निकले, एक्चुअली मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही पॉल्यूशन कर रहे हैं, और बहुत ही बुरा कर रहे हैं। तो आगे अगर हमारे साथ ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसमें कोई हमें चौंकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जो मदर अर्थ को देते हो, आप जो चीज़ें नेचर को देते हो, वो आपको वेस्ट कर रहे हो आप, तो फिर अब वो आपको रिटर्न ही देगा। आज आपने गणपति पापा विसर्जन किए हैं, कल सुबह आप जाके देखिए तो समझ में हमें फिर वापस देगा, तो ये वाली ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, पापा को जो है भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मोदक पसंद है, तो क्या क्या तैयारियां की है आप लोगों ने स्पेशली उनके खाने के लिए? इनको भोग बहुत पसंद है, और मेरी मम्मा है ना स्पेशलिस्ट से मोदक के लड्डू बनाने के, तो अगर आप देख सकते हैं तो हमने बहुत सारे कलर्स मिलाकर एक बड़ा सा मोदक का लड्डू बनाया है हमारी माता श्री ने। और क्योंकि इस बार बापा बहुत सारे कलर्स लेकर हमारी लाइफ में आए हैं, तो हमने भी उनको कलरफुल कलरफुल मोदक दिया है, और बहुत एक्साइटमेंट है। आप देखेंगे बहुत सारी मिठाई है, बहुत सारे लड्डू हैं, और जो उनको पसंद है ऑब्वियसली हमें भी पसंद है, तो इस बार हम इस बार खा खा के थोड़े चूरमा लड्डू गुजरातियों की स्पेशलिटी होती है, और हमारे यहाँ तो बुकिंग होती है होल ईयर, सारे जो होते हैं वो वेट करते कि कब इनके घर के चूरमा लड्डू मिलेंगे खाने के लिए। सो हम वो बुकिंग के साथ साथ बापा का, ये देखिए बड़ा वाला है, ये सब घर वो वाला भी हमने सारे स्पेशल बनाए हुए चूरमा लाडू हम स्पेशली बनाते हैं, और बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हर एक दिन कुछ नया वैरायटीज़ बापा को मिले। तो आप दोनों से जानना चाहूँगा, पापा से इस साल क्या खास मांगा है आप लोगों ने, अगर उस बारे में कुछ बताया, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दी है हमें पापा ने, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए इस बार पापा कोविड को ख़त्म करके हमारे पास आ गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। इस बार मांगने का कुछ भी मन नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हें देखने का और उनका वेलकम करने का। देखिए 4 दिन कैसे निकल गए ये पता भी नहीं चला, और कल पापा फिर से जा रहे हैं, तो मांगने का मन नहीं कर रहा, बिन मांगे उन्होंने सब कुछ दे दिया है हमको। आस्था जी मैं अगर जब भी ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें नेचर और लोग जो हैं वो लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने,
नेचर के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आए और पापा सबको खुश रखे, यही मेरी शुभकामना और मन्नत रहेगी हमेशा सबके लिए। ओके, आखिर में एक बार हो जाए गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू सो मच गणपति बाप्पा।